Hello and welcome to Bhardwaj Grades. We are preparing for CTET paper 2 for the subject science. Science mein unit 1 kar rahe hain hum food and is unit ka aaj last chapter hum study karenge microorganism jo ki at least 2 to 3 marks contain karta hai CTET ke paper mein ya akela chapter. This is chapter number 7 in the unit food. इसके बाद इस चैप्टर के बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी और इस नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2011 टू 2016 जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का एक वीडियो मैं बनाऊंगा. हम देखेंगे कि कितना हमने पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है क्या वो आ भी रहा है पेपर में या फिर कुछ डिफरेंट तो नहीं है, तो वो सारा हम स्टडी करेंगे. सो लेट स्टार्ट द वीडियो. चैप्टर नंबर 7 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासेस होती हैं वो यूजली 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी. ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, जस्ट बेसिक हमने स्टडी करना है जितना एनसीईआरटी या थोड़ी रेफरेंस बुक्स हमें बताती हैं. तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, इनकी सेल वॉल होती है और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. बैक्टीरिया फीड कर सकते हैं, डेट मीन्स खा सकते हैं. ठीक है, मूव करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनमें? लैक्टोबैकिलस. लैक्टोबैकिलस क्या होता है? जो मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, उनमें अपना रोल प्ले करता है. जैसे कि दूध से दही बनना, तो विच बैक्टीरिया कंटेन इन दिस, ठीक है, वे कौन सा बैक्टीरिया इसमें कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो दिस इज लैक्टोबैकिलस. ठीक है, और भी होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, आगे हम स्टडी करेंगे. मेन जो है वो है इनकी डिजीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं. सो सिर्फ ये 3 डिजीज़ आपको ध्यान रखनी है बैक्टीरिया के लिए. कॉलरा, ठीक है, जिसको हम हैजा बोलते हैं, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट्स टीबी. ओके, डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी. उसके बाद है वायरस. वायरस के बारे में खास बात यह है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, इसलिए बिकॉज ये अपने एक्टिव फॉर्म में तभी आता है जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो. ठीक है, डेट मीन होस्ट के अंदर हो. विच कैन डेवलप्स ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, डेट्स वाई दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग. वायरस डू नॉट रिस्पॉन्ड फॉर वायरस ठीक है, तो वायरस डू नॉट रेस्पायर, फीड, ग्रो, ठीक है, बट रिप्रोड्यूस. ना तो ये रेस्पिरेशन करते हैं ना ग्रो करते हैं. ठीक है, मतलब साइज उतना ही रहता है इनका. ठीक है, उस लिहाज से ग्रो नहीं करते बट रिप्रोड्यूस करते हैं. एग्जांपल क्या है इनमें? इन्फ्लुएंजा. और एक और वायरस में सेल वॉल वगैरह भी नहीं होती भाई. इन्फ्लुएंजा जो कि कॉमनली कॉज करता है कॉमन कोल्ड. ठीक है, कॉमन कोल्ड के लिए यही वायरस जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा. उसके बाद है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी. एचआईवी वर्ड के साथ एड्स रिलेटेड होता है, तो एचआईवी कॉज्ड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ एड्स. ठीक है, तो ये कैसा है? वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. उसके बाद है प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लासिफाइड एज एनिमल. ठीक है, एनिमल कैटेगरी में ये आते हैं. एग्जांपल है इनमें अमीबा, पैरामोशियम, प्लास्मोडियम, ये सब एटसेट्रा. ठीक है, इनका साइज बाकी बैक्टीरिया और वायरस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है. अमीबा को आप पोंड में देखा जा सकता है, लेकिन नेकड आय से देखना मुश्किल है. ठीक है, माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करते हैं. अमीबा की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है एंटामोएबा कॉसिस अमीबिक डायसेंट्री. ठीक है, डायसेंट्री हो जाती है इस तरह का पानी पीने से. ठीक है, जिसमें अगर
अमीबा का कुछ कंटेन हो, ठीक है। और दूसरा, मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। हाँ, तो प्रोटोजोआ में भी कौन सा होता है? प्लास्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम। इसके बाद है एल्गी, फोर्थ वन। एल्गी क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टी सेलुलर होती है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होती है, ये क्लोरोफिल होती है इसमें, जिसकी वजह से फूड कौन सी प्रोसेस से बनाती है? फोटोसिंथेसिस से। ये हमने भी पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। एग्जांपल कौन कौन से एल्गी के? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगी, देखी भी होगी आपने एनसीईआरटी की 9th क्लास की या 10th क्लास की बुक में। उसके बाद है फंगी। फंगी इसके बारे में पढ़ा है, कैसी होती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर आती है, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोफाइटिक कहलाते हैं। एग्जांपल है इसमें यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूट, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब रिंगवॉर्म और एथलीट्स फूट जो है वो दोनों फंगल इन्फेक्शन। रिंगवॉर्म जो दाद होता है, ठीक है, बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। एथलीट फुट कहाँ पे होता है? एथलीट फुट की डिजीज़ क्या होती है? ये अगर आप जैसे नॉर्मली कहीं पे यात्रा पे जाते हो, ठीक है, और आपको कंटिन्यूस 2 to 3 days या फिर उससे ज़्यादा चलना होता है, ठीक, तो आपकी जो पैर की जो फिंगर्स होती हैं उनमें घाव हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? एथलीट फुट कहलाता है। और फंगी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन बनाने में यूज होती है वैक्सीनेशन में, यीस्ट जिसके बहुत सारे अपने अपने यूजेस हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। एस्परजिलस एक डिजीज़ होती है जो कि एनिमल्स में हो जाती है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। यूजेस क्या हैं? यीस्ट जो होता है वो पहले तो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है, उसके बाद इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में यूज़ होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन, ठीक है। और थर्ड, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन में भी, एसिटिक एसिड में विनेगर जो होता है, विनेगर होता क्या है? 2 to 3% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलता है। अब विनेगर फॉर्म कैसे होता है यीस्ट से? कि जो एसिटोबैक्टर एसीटो एसिटिक एसिड से समझ में आ रहा है कि एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है एल्कोहल को विनेगर में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ कहाँ होता है इसका? एंटीबायोटिक फॉर्म करने में। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसी तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी बॉडी पे किसी भी तरह के इन्फेक्शन को, डेट मीन्स किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट या किल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक में यूज़ होता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो पाउडर में यूज़ होता है। पाउडर की जो बॉटल होती है उसके पीछे आप जो आप कंटेंट देखोगे तो उसमें टेट्रासाइक्लिन ज़रूर मेंशन होता है। ये चारों नाम आपको रटे होने चाहिए, बिकॉज ये पूछे जा सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक, या फिर मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में से बहुत आते हैं, तो उनमें, ठीक है, ये कौन सा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो और इम्पॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंगी इन दोनों से कॉज होने वाली डिजीज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि क्या कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज कॉमन कोल्ड वायरस से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और फंगी इन दोनों से होने वाली डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन बाय माउथ और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होती है? कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं या फिर माउथ के थ्रू कैसे पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है, तो वो ये सारे क्या है? वैक्सीनेशन के अंडर में आते हैं। इसमें वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है, जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर अगर लिविंग हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, तब इसी है ना वो ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है।
इसीलिए जब वैक्सीनेशन दी जाती है तो बच्चे को बुखार आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल कहते हैं कि अगर बुखार आए दैट मीन्स वैक्सीन का असर हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। ओके, तो इससे होता क्या है कि जो हमारा शरीर है वो ऑलरेडी तरह से अलर्ट हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के कंट्रोल में आएगा तो वो आते ही उसे किल कर देगा, ठीक है। तो ये रोल होता है एक तरह से वैक्सीनेशन का। एग्जांपल कौन कौन से वैक्सीनेशन के, किस किस की वैक्सीनेशन की जाती है, वैक्सीन के जो टीके लगाए जाते हैं, पोलियो बाय माउथ से दी जाती है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के, हेपेटाइटिस बी के, टीबी के, टैटनस के लगाए जाते हैं, वो भी वैक्सीनेशन के अंदर में आता है, ठीक है। और पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस क्या होती है, वूपिंग कफ क्या होती है, काली खांसी जो हो जाती है, तो उसके लिए भी इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, ना कि कोई लिक्विड मेडिसिन देने की बजाय, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीनेशन के पार्ट हैं। फिर ये चैप्टर जब आप देखोगे एनसीईआरटी में तो इसमें कुछ डिस्कवरीज दे रखी हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में और बाकी टेट में भी, ठीक है। तो इन्हें याद करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिस्कवर की गई थी 1798 में बाय एडवर्ड जेनर, ओके। फिर सेकंड, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है जो अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज़ होती है वो डिस्कवर की गई थी 1857 में बाय लुइस पाश्चर। थर्ड वन भी है पेनिसिलिन डिस्कवर की गई है 1929 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो याद कैसे करना है इसको, देखो सिंपल है भाई, स्मॉल पॉक्स में देखो क्या रहा है, एडवर्ड जेनर, तो एड क्या है, टीवी क्या है, जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा बेटर है, जितनी स्मॉल होगी उतना ज़्यादा बेटर है। तो अगर स्मॉल पॉक्स है तो स्मॉल किससे रिलेटेड होगा, हमेशा एड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर किसके लिए होंगे, एड हमेशा कैसे रहनी चाहिए, स्मॉल रहनी चाहिए, डेट्स वाई एडवर्ड को किससे लिंक करना है, स्मॉल से लिंक करना है। डेट हमें यूजली याद रखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद फर्मेंटेशन देखो किस लिए होती है, अल्कोहल की वजह से। अब एक तरह से जो एक लोकल अल्कोहल काफ़ी फेमस है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी फेमस है, विच इज़ लाल परी। और इसके आप डिस्कवर के नाम देखोगे तो वो भी क्या है, लुइस पाश्चर, एल फोर लाल एंड पी फोर परी। तो जहाँ पर भी अल्कोहल है तो आप लाल परी को तो कभी नहीं भूल सकते, और जब भी जैसे अल्कोहल पीते हैं तो क्या होती है, घर में लड़ाई होती है, और 1857 तो जाना ही लड़ाई के लिए जाते हैं, सबसे पहला विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जब भी आपने अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो 1857 जरूर याद होगा। तो 18 से तो अल्कोहल की ना तो आप डेट कभी भूलने वाले हैं और ना ही इसमें आप डिस्कवरी जो साइंटिस्ट है उसका नाम कभी भूलोगे। नेक्स्ट वन इज़ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन में क्या है, अलेक्जेंडर पेनिसिलिन जब पढ़ते हो तो क्या लगता है, लाइक पेंसिल टाइप। तो पेंसिल किसकी फेमस है नॉर्मली इंडिया में, नटराज की, अप्सरा की। तो अप्सरा का ये दूसरा भाई है एलेक्स, जिसकी अमेरिका में फेमस है, ठीक है। तो ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एलेक्स, ठीक है। तो पेंसिल जहाँ पर भी है तो आपको किसकी पेंसिल लेनी है, हमेशा अप्सरा की ना लेके एलेक्स की लेनी है, ठीक है। और पेंसिल कब की डिस्कवरी है, अभी की लेटेस्ट डिस्कवरीज में से एक है, ठीक है। उससे पहले लोग डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबसे लिखा करते, लाइक जो मोर की पेंच होती है उन सबसे लिखते थे, ठीक है। तो पेंसिल लेटेस्ट है तो इसलिए 19th century आपको ध्यान हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के लिए 17 एड होती है तो इसलिए स्मॉल है, ठीक है। एल्कोहल कौन सी लेनी है, लाल परी, और कब, 1857 की। पेंसिल कौन सी लेनी है, एलेक्स। तो डन, ठीक है, ट्रिक है ये, टोटली इसका क्रेडिट पूरा मुझे ही जाता है भाई, मैंने ही बनाई है ये, ठीक है। जस्ट मैं एक स्टूडेंट को अपने को पढ़ा रहा था एंड जस्ट दिमाग में कुछ आया तो जस्ट हो गया ये। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि जाना जाता है राइजोबियम, बहुत फेमस है इसके लिए। 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, 2 नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, राइजोबियम एंड दूसरा है ब्लू ग्रीन है, लेकिन ये भी सेम यही काम करती है, चूँकि इसलिए इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है जो कि फैलने वाली डिजीज़ होती है, लाइक छूने से, ठीक है, झूठा पानी पीने से, एयर के कॉन्टैक्ट से, वाटर इन सब के से, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैल जाती हैं। तो वो सारी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। माइक्रोबियल डिजीज़
which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और by physical contact. ठीक है, तो ये सारे मीडियम आपको ध्यान रखने हैं, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, चारों की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है. एग्जाम्पल क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स. ठीक है, चिकन पॉक्स जो हो जाता है वो बहुत जल्दी फैलता है एक से दूसरे में. ठीक है, मलेरिया भी जरूर होता है अगर फैमिली में किसी एक को हुआ है. ठीक है, और अगर आप घर पर ट्रीटमेंट करें तो चांसेस होते हैं कि दूसरे बंदे को भी हो जाएगा. एड्स, टीबी, एड्स के बारे में जितना ध्यान रखना है कि ये छूने से नहीं होता है. ठीक है, छूने से फैलता नहीं है टीबी, मलेरिया, एड्स. ठीक है, तो दीज आर ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस. नेक्स्ट वन वी हैव, अब कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाने के दो एजेंट होते हैं. नॉर्मली हमारे घरों में जो दो एजेंट होते हैं वो होते हैं हाउस फ्लाई और मॉस्किटो. तो हाउस फ्लाई जो काम करती है, मतलब जो डिजीज़ फैलाने का काम करती है, वो उन डिजीज़ में शामिल है कॉलरा, टीबी, टाइफाइड, डायोरिया. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो विच आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई. ठीक है, उसके बाद मॉस्कीटोज़ में बीमारियां फैलाने का जो भी क्रेडिट है वो फीमेल मॉस्कीटोज़ को जाता है. तो मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो से. और ये किस तरह का है मलेरिया का, हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ के अंडर आता था. प्रोटोजोआ में से भी कौन सा, प्लास्मोडियम. लेकिन डेंगू जो होता है वो फीमेल एडीज मॉस्कीटो की वजह से होता है, लेकिन ये एक वायरस डिजीज़ है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मलेरिया जो है वो किस तरह की, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से. तो दिस इज़ प्रोटोजोआ. ठीक है, और डेंगू किसकी वजह से है, वायरस की वजह से होता है. ओके, अब ये डिजीज़ हैं, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं टेबुलर फॉर्म में, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस किस मीडियम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले टीबी, टीबी किसके, बैक्टीरियल में आया था. बैक्टीरियल के कौन कौन से थे, कॉलरा, टीबी और टाइफाइड. ठीक है, तो टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर. फिर मेजल्स, मेजल्स कौन से में आता है, वायरस में आता है, इससे भी एयर है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. चिकन पॉक्स, पोलियो, ये दोनों वायरस में आते हैं. चिकन पॉक्स का किस तरह से होता है, एयर से या फिर कॉन्टैक्ट से. ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से. पोलियो जो होता है वो एयर और वाटर, इन दोनों की वजह से होता है. तो इससे कोई भी डिजीज़ देखे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछेंगे. ठीक है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, लाइक एयर, वाटर, चार दे दिए, फिर पूछें ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, या ऑल ऑफ द अबाउट लाइक दैट. ठीक है, तो ये जितने ज़्यादा आपको लर्न हो जाए उतने ज़्यादा बेटर है. कॉलरा अगेन बैक्टीरियल है, और कॉलरा किसकी वजह से हो जाता है, या कुछ गलत पानी पी लेते हैं हम. ठीक है, या कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप कुछ खा लेते हैं गलत फूड, तो उसकी वजह से होता है. तो ये वाटर और फूड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. उसमें टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड हेयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वाटर. फिर हेपेटाइटिस बी क्या है, वायरस है ये, और ये वाटर की वजह से होती है. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें और याद ज़रूर करें. उसके बाद है डिजीज़ इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में होने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज़ है एंथ्रैक्स, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट कोच ने. ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ये डिस्कवर की थी, और ये पूछी भी गई है कई बार पेपर्स में. ठीक है, तो ये सिर्फ वही कंटेंट है, मतलब डिस्कवरीज वगैरह से रिलेटेड, या जो थोड़ा मिसकेलनियस कंटेक्ट, सिर्फ और सिर्फ मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है. जस्ट एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज मैं डालता भी नहीं सबको. उसके बाद है एस्परजिलोसिस. एस्परजिलोसिस इज अकर इन पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं. ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स में जो होते हैं, लाइक हैन. ठीक है, इस तरह के जो बर्ड्स हैं उन सब में इस तरह की डिजीज़ कॉमन होती है. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है एक तरह का. उसके बाद फूड एंड माउथ की डिजीज़ हो जाती हैं. फूड एंड माउथ की डिजीज़ हो जाती है कई बार जानवरों को. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से. ओके, प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, मोस्ट कॉमन रस्ट ऑफ वीट. ठीक है, गेहूं होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो ये किसकी रस्टिंग के क्या है, फंगल है. उसके बाद सिट्रस कैंकर से समझ में आ रहा है कि जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, लाइक लेमन होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं. ठीक है, तो इन सब में जो बीमारियां हो जाती हैं, मतलब इन
के प्लांट्स में जो बीमारियाँ हो जाती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। फिर है येलो वेन मोज़ेक, ठीक है, ये क्या होती है, जो भिंडी में हो जाती है, भिंडी के ऊपर दाने दाने से हो जाते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह का इन्फेक्शन, एक तरह का कौन सी डिजीज़ है, वायरस के थ्रू होती है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, फंगस और बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि नॉर्मली दो ही माइक्रोऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए, फंगस एंड बैक्टीरिया। अब फूड पॉइजनिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, तो फ्रीजिंग करके, फिर प्रेजर्वेटिव्स का यूज़ करके, ठीक है, फूड प्रेजर्वेटिव का। तो फूड प्रेजर्वेटिव्स में जो मेनली है वो होता है कॉमन सॉल्ट आपका, ठीक है, जो पिकल्स में आप यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो, ठीक है, पिकल्स थोड़ी ना ख़राब हो जाते हैं, फिर है ना, अचार ख़राब नहीं होता। एंड साइंटिफिकली देखें तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट, ये दोनों ही फूड प्रेजर्वेटिव हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है लाइक सोडियम बेंजोएट इज़ आ, तो पूछेगा कि ये है तो उसमें कौन से विटिक लगाना है, फूड प्रेजर्वेटिव है। विनेगर भी फूड प्रेजर्वेटिव होता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। या इसकी जो भी एक्सरसाइज कंटेंट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप देखने से पहले फूड चैप्टर की सारी वीडियोस को अच्छे से ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें, बिकॉज उसमें आपको उसे देखने में मज़ा तभी आएगा, अच्छा तभी लगेगा जब आपको क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। फूड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सी टेट के पेपर में अब तक आए हैं लास्ट 5 से 7 7 ईयर्स में, ठीक है, वो सारे मैंने उसमें डाले हैं, और दूसरे टेट से भी लाइक एच टेट से उन सबसे भी आए हैं वो भी डाले हैं, ठीक है, तो एक आइडिया हो जाएगा बेसिक कि आखिर चैप्टर से आ किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं, इसी लेवल के आ रहे हैं क्या, 8th तक की लेवल के आ रहे हैं या फिर 10th 12th की बुक्स में से भी कुछ आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार चैनल को, प्लीज़।